सर मुझे नेचुरल बॉडी बनानी है, मुझे सप्लीमेंट्स यूज नहीं करने। अक्सर बहुत बच्चे मेरे पास जब आते हैं तो उनका पहला यही होता है कि मुझे नेचुरल बनानी है। तो भैया सप्लीमेंट आप यूज़ करते तब भी नेचुरली है, ये आपकी विल है कि आप सप्लीमेंट्स के साथ जाना चाहते हैं या सिर्फ डाइट के साथ करना चाहते हैं, ये आपकी विल है और आपकी पॉकेट अलाउ करती या नहीं करती वो भी है, क्योंकि सप्लीमेंट भी आपके खाने की चीज़ों से ही बनते हैं, फूड का ही एक्सट्रैक्ट है सप्लीमेंट। और क्योंकि ये प्री डाइजेस्टिव फॉर्म में होता है तो थोड़ा सा बॉडी में इसका प्रोसेसिंग जो है डाइजेस्ट करने को फास्ट रहती है, और यही कारण है कि इसका ये जल्दी प्रोसेस हो जाता है बॉडी के अंदर, तो इसलिए हम सप्लीमेंट्स यूज करते हैं। आप डाइट से करना चाहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बिल्कुल डाइट से करें, डाइट्स के साथ भी आप बहुत अच्छी फिजिक तैयार कर सकते हैं। हाँ आपकी विल है तो आप सप्लीमेंट यूज करें, आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो आप जरूर डेफिनेटली आप सप्लीमेंट यूज करना चाहिए आपको, कोई आम नहीं है, जैसे आपका बजट है वैसे चलो। आपकी विल नहीं है, आपकी पॉकेट अलाउ नहीं करती तो बिल्कुल आप, मैं गारंटी देता हूँ आप डाइट और ट्रेनिंग के साथ भी बहुत अच्छा फिजिक बना सकते हैं। ये ना सोचे कि ये अननेचुरल है और ये नेचुरल है, सप्लीमेंट के साथ करेंगे तब भी नेचुरल है, सप्लीमेंट्स के बिना करेंगे डाइट से तब भी नेचुरल है। सप्लीमेंट्स सभी स्पोर्ट्स में क्यों अलाउड है, क्योंकि ये लीगल है और नेचुरल है। अगर ये इलीगल होता या नेचुरल नहीं होता तो स्पोर्ट्स में अलाउ नहीं करते। ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है पेरेंट्स के मन में भी और कई बच्चों के मन में भी कि मुझे नेचुरल करना तो सप्लीमेंट नहीं खाना। तो मैं एक बार फिर से बोलता हूँ, आपकी विल नहीं है सप्लीमेंट यूज करने की बिल्कुल मत करो। हाँ अगर आपकी विल है और आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो डेफिनेटली आपको सप्लीमेंट यूज करके अपना जो रिकवरी सिस्टम है उसको फास्ट करना चाहिए। थैंक यू।